हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइन बैलेंसिंग, और ये है लेसन नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हमको याद रखने हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेथड क्या है लाइन बैलेंसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसमें एक तरीका है लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल, ठीक है। एक रूल होता है जिसको बोलते हैं लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही पढ़ना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं और फालतू का चीज एक्स्ट्रा पढ़ करके कोई फायदा नहीं है। तो लार्जेस्ट कैंडिडेट रूल का हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टास्क टाइम। तो आपको एक टेबल दिया रहेगा, ठीक, और एलिमेंट्स का कुछ डेटा दिया रहेगा और टास्क टाइम का कुछ डेटा दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब जिसका टास्क टाइम सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसको रखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टास्क टाइम। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे हम लोग सेलेक्ट एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग द प्रेसिडेंस रिलेशनशिप एंड मेक श्योर दैट द टोटल वर्क स्टेशन टाइम डज नॉट एक्सीड द साइकिल टाइम। तो क्या करना है हमको, पहले हम इसको डिक्रीज कर देंगे टास्क टाइम के ऑर्डर में, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कि प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है ना। और इस कंडीशन से सेटिस्फाई कराना है ताकि जो आपका टोटल वर्क स्टेशन टाइम है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए था साइकिल टाइम से। साइकिल टाइम ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू टोटल वर्क स्टेशन टाइम। वो वाला रिलेशन याद है आपको जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, जो आपका टीसी है, दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टीएसआई मैक्स, ठीक है ना। तो ये वाला रिलेशन हमेशा वैलिड रखना है, इसको इनवैलिड नहीं करना है ये वाले रिलेशन को, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप ये है कि कंटिन्यू इन सिमिलर मैनर अंटिल ऑल द एलिमेंट्स आर असाइंड टू द वर्क स्टेशन। उसी तरह से जैसे हम लोग पहला दो स्टेप किए हैं, तो उसी तरह से हम लोग को फिर रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि सारे वर्क स्टेशन को एलिमेंट्स असाइन नहीं हो जाते, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ द प्रेसिडेंस डायग्राम एंड डिटरमिन द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। फिर हम एक प्रेसिडेंस डायग्राम, ये डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बना चाहो तो आपको टेबल से पता ही चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट पहले हो रहा है, कौन सा एलिमेंट बाद में हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखा दिए हैं वो सब फॉर्मूलाज को यूज करेंगे हम लोग और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे सारा चीज, ठीक है। तो ये चार स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, चार स्टेप्स बस दिमाग में याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टास्क टाइम के डिक्रीजिंग ऑर्डर को, मतलब हिसाब से हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर लेंगे। फिर प्रेसिडेंस रिलेशनशिप सेटिस्फाई कराना है, प्रोवाइडेड कि आपका जो टोटल वर्क स्टेशन टाइम है वो एक्सीड नहीं करेगा साइकिल टाइम के। और तीसरा स्टेप में हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तब तक जब तक सारा वर्क स्टेशन को काम असाइन नहीं हो जाता। और लास्टली फिर हम लोग डायग्राम अगर बनाना है तो बनाइए, नहीं तो फिर वो जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स क्वेश्चन में जो बोलेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग एक सैंपल प्रॉब्लम लेंगे और उसको फिर समझेंगे कि ये सारे स्टेप्स का मतलब क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।